नमस्कार, मैं नीतू, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और अब एक नजर आज के खबरों पर। वाराणसी में रोडवेज बस ने स्कूली छात्राओं को मारी टक्कर। वाराणसी में वरुणा पुल का रेलिंग तोड़ते हुए वाहन वरुणा नदी में गिरा। कोर्ट ने मोहम्मद शमी को किया तलब। रोहित शर्मा की जगह ऋषभ पंत बने चयनकर्ताओं के चहेते। वाराणसी में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर व चश्मा वितरण कार्यक्रम। फैजाबाद में रौनाही पुलिस जुआरियों के खिलाफ चला रही है अभियान। ग्रेटर नोएडा में इमारत हादसे में अब तक 9 की मौत। गोवा में महिलाओं का आरोप, पुजारी ने मंदिर परिसर में जबरदस्ती गले लगाया। लखनऊ में आयकर विभाग की रेड में 50 किलो सोना व 10 करोड़ कैश। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस खाई में गिरी। बीजेपी सांसद आरपी शर्मा की बेटी गिरफ्तार। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में शुक्रवार को होगी बहस। आगे खबरों का सिलसिला ऐसे ही बना रहेगा, देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया। धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।